सीएम शिवराज सिंह चौहान, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अपने रूटीन के तहत पौधारोपण कर रहे थे और तस्वीरें आज की कुछ अलग हैं क्योंकि आज उनके साथ ओलंपिक पदक विजेता मध्य प्रदेश के गौरव विवेक सागर उनके साथ मौजूद हैं और साथ में यशोधरा राजे सिंधिया भी पौधारोपण में आज उनके साथ है। आज विवेक सागर का सम्मान भी होना है। अभी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट भोपाल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जब वहां पे यशोधरा राजे सिंधिया पहुंची तो वो भावुक हो गई और अब तस्वीरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज पौधारोपण कर रहे हैं, विवेक सागर पहुंचे हैं। स्मार्ट सिटी पार्क में ये पौधारोपण किया जा रहा है। अपने रूटीन के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं तो साथ में आज उनके ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर के साथ पौधारोपण कर रहे हैं और साथ में यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद हैं। तो पौधारोपण हो चुका है, अब रूटीन प्रेस ब्रीफिंग रहेगी उनकी और साथ में विवेक सागर भी मध्य प्रदेश। मित्रों, ये देश के लिए तो है ही गर्व की बात, लेकिन मध्य प्रदेश भी गर्व से भरा हुआ है। देश के बेटे तो हैं लेकिन विशेष रूप से मध्य प्रदेश के, होशंगाबाद जिले के चांदौन पिपरिया में जिनने जन्म लिया, इटारसी में जिनका परिवार रहता है, एक सामान्य परिवार से आके अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और अपने संकल्प के बलबूते हुआ है। वर्षों बाद हम पदक जीते, ये केवल पदक नहीं है, ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, ये भारतीय माटी का पुनर्जागरण है और मुझे विश्वास है कि अब तेजी से भारतीय हॉकी आगे बढ़ेगी। मैं मध्य प्रदेश के इस बेटे को मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अभी उम्र कुल 21 साल की है बेटे की, मुझे लगता है कम से कम 15-18 साल तो खेलनी है। अभी आज विवेक का मिंटो हॉल में सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है 12:30 बजे, तब विस्तार से खेलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो विवेक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, यशोधरा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि खेलों की प्रगति और विकास के लिए जो काम हो रहा है मध्य प्रदेश में वो अद्भुत और अभूतपूर्व है, लेकिन खेलों के उत्थान का ये कार्य जारी रहेगा और विवेक को तो यही शुभकामनाएं कि अभी ये आना अपने गोल गोल्ड मेडल हॉकी जीत हॉकी की टीम हमारी जीत करेगी।
हमारी महिला है कि अर्जुन भी चाहता है कि बड़ा परिश्रम किया ने कई बाई चांस कहाँ जा रहे हैं। तो अपने रूटीन के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया और साथ में विवेक सागर जो कि ओलंपिक पदक विजेता है हॉकी टीम के सदस्य रहे विवेक सागर उनके साथ पहुंचे हैं और साथ में ये भी जिक्र किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि मिंटो हॉल में 12:30 बजे सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है विवेक सागर के सम्मान में और साथ में ये भी कहा कि अभी और रिकॉर्ड तोड़ने हैं विवेक को आगे और खेलना है। प्रदेश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए। काम में तो आने लगे ना सन्नी रुक गया केवल सन्नी केवल फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। नमस्कार।